गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम आपका साइंस का चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। दांत और सूक्ष्म जीव। रिया वाज ब्रशिंग हर टीथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द वॉश बेसिन। रिया वॉश बेसिन के सामने अपने दांत साफ कर रही है। शी नोटिस दैट ईच ऑफ टूथ वॉज लुकिंग डिफरेंट। उसने यह नोट किया कि प्रत्येक दांत अलग अलग दिखाई दे रहा है। सम टीथ वर वाइड एंड फ्लैट। कुछ दांत चौड़े और प्लेन हैं। सम वर पॉइंटेड। कुछ नुकीले हैं। एंड सम हैड बम्स ऑन देम। और कुछ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। शी वंडर्ड एंड पैनिक। उसे आश्चर्य और हैरानी हुई। एंड आस्क्ड हर मदर अबाउट इट अबाउट दिस। और उसने अपनी माता से इसके बारे में पूछा। हर मदर एक्सप्लेन। उसकी माता ने बताया दैट ईच टूथ लुक्स डिफरेंट एंड हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। प्रत्येक दांत अलग अलग दिखाई देता है और उसका कार्य भी अलग अलग होता है। सम हेल्प अस टू बाइट एंड टीयर। कुछ दांत हमें काटने और फाड़ने में सहायता करते हैं। सम वाइल सम टूथ चीप एंड ग्राइंड। कुछ दांत जबकि कुछ दांत हमें भोजन को चबाने में और उसको पीसने में सहायता करते हैं। शी आल्सो टोल्ड दैट वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हर टीथ। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दांतों की ध्यान रखना चाहिए। इफ़ वन वुड नॉट क्लीन दैम प्रॉपरली। अगर कोई व्यक्ति अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करता है माइक्रोब्स कुड डैमेज दैम एंड दे माइट फॉल। इससे माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और आपके दांत गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीथ। क्या है टीथ? टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी। टीथ हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य भाग है। दे नॉट ओनली हेल्प अस टू बाइट एंड चीव द फूड। वह हमारी सहायता केवल भोजन को चबाने और काटने में नहीं करते बट आल्सो अनेबल टू टॉक एंड मेक डिफरेंट साउंड्स। इनकी सहायता से हम बातें कर सकते हैं और अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। दे गिव शेप टू आर फेस एंड नाइस स्माइल आल्सो। इससे हमारे मुँह को आकार मिलता है और हमारी जो मुस्कान है वो भी अच्छी होती है। टीथ आर फिक्स टू आर जॉ बोन इन आर माउथ एंड आर अरेंज इन कर्व लाइन अलोंग आवर टॉप एंड बॉटम जॉ। टीथ हमारे जो जॉ बोन, जॉ ये है जबड़ा जिसे बोलते हैं, इसमें फिक्स होते हैं और कर्व माने घुमावदार, इस प्रकार से घुमावदार होते हैं ऊपर से और नीचे से। नेक्स्ट है टू सेट्स ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ हैं उनके दो सेट होते हैं। वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन आर लाइफ टाइम। हमारे जीवन में हमें दो सेट मिलते हैं दांतों के बाय द एज ऑफ थ्री। जो हम थ्री इयर्स के होते हैं द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर। तो हमारे 20 दांत आते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्की टीथ, जिसे कि हम दूध के दांत या कच्चे दांत भी कहते हैं। दीज आर टेम्परेरी टीथ, यह कच्चे दांत होते हैं। एट द एज ऑफ अबाउट 6 ईयर, जब हम 6 साल के होते हैं द मिल्की टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ। ये जो दांत हैं दूध वाले दांत, ये गिरना शुरू कर देते हैं। न्यू टीथ स्टार्ट अपीयरिंग इन देयर प्लेस, उसकी जगह हमारे नए दांत आते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, जिसे हम पक्के दांत कहते हैं। एन एडल्ट पर्सन हैज 32 टीथ, एक वयस्क के मुंह में 32 दांत होते हैं। ये देखिए आप, ये परमानेंट टीथ हैं 32 और ये हैं हमारे टेम्परेरी टीथ। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो ह्यूमंस हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। जो इंसान है उसके जीवन काल में उसे दो सेट मिलते हैं टीथ के। वाइल शार्क है 40, जबकि शार्क जो मछली है उसके 40 सेट मिलते हैं। दे रीग्रू देयर टीथ ईच टाइम दे लॉस देम, हर बारी जब उसके दांत गिरते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। इफ़ यू ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर एंड कंपेयर द टीथ इन फ्रंट एंड एट द बैक। यदि आप अपना मुंह खोलकर शीशे के सामने जाते हैं और आप आगे और पीछे के दांतों को ध्यान से देखते हैं, यू विल फाइंड द टीथ ऑफ डिफरेंट शेप एंड टाइप, आपको अलग अलग तरह के दांत दिखेंगे। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, दे आर एज फॉलोइंग। तो आप देखेंगे कि आपके दांत 4 प्रकार के हैं, इस तरह से देखिए। सबसे आगे है हमारा इनसीजर, ये देखिए इनसीजर। उसके बाद है कैनियन,
ये देखिए ब्लू कलर के दांत हैं ये कैनियन। आगे है प्री मोलर, जो ये ग्रीन कलर के हैं ये प्री मोलर, और जो उसके बाद है येलो कलर के ये हैं आपके मोलर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इंसीजर। इंसीजर देयर आर फोर फ्रंट टीथ हैविंग शार्प स्ट्रेट एजेस इन द जॉ। फ्रंट यानी कि सामने, अभी आपने देखा था फोर इसमें है और फोर इसमें, तो ये शार्प होते हैं इनके किनारे। दीज आर नोन एज इंसीजर, इन्हें इंसीजर कहा जाता है। दीज आर यूज फॉर कटिंग, इनका प्रयोग जो हम खाना खाते हैं उसको काटने के लिए किया जाता है। इन ऑल देयर आर एट इंसीजर, ये देखिए ये इधर एट है, फोर इधर और ये फोर इधर, तो ये हुए एट। आगे है कैनियन, देयर आर टू शार्प एंड पॉइंटेड टीथ इन ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर। इंसीजर के साइड में दो शार्प टीथ होते हैं, ये देखिए ये ब्लू कलर के इंसीजर के साइड में दो शार्प टीथ हैं, दो इधर हैं। ये क्या करते हैं, दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड, ये हमारे भोजन को फाड़ने में हमारी सहायता करते हैं। दीज टीथ आर नोन एज कैनियंस और टीयरिंग टीथ, इन्हें आप कैनियन या टीयरिंग टीथ कहते हैं। इन ऑल देयर आर फोर कैनियंस, ये फोर हैं, टू इस जा में और टू इस जा में। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स मांस खाते हैं और कॉर्निवर्स उन्हें आप मांसाहारी कहते हैं। हैव बिगर एंड शार्प कैनियंस, उनके बड़े बड़े और तेज कैनियंस होते हैं। सो दे कैन टीयर फ्लैश ईजिली, ताकि वो मांस को आसानी से खा सकें। नेक्स्ट है हमारा प्री मोलर्स, एट द बैक ऑफ आर माउथ देयर आर फ्लैट एंड वाइट टीथ, हमारे माउथ के पीछे फ्लैट और वाइट टीथ होते हैं। ये देखिए प्री मोलर्स, ये जो ग्रीन कलर के दांत हैं ये होते हैं प्री मोलर्स। दीज आर कॉल्ड प्री मोलर्स, देयर आर फोर प्री मोलर्स, ये देखिए फोर इधर हैं, टू 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 फोर, ये टोटल हुए एट। दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड, ये हमारे भोजन को दबाने में यानी कि पीसने में सहायता करते हैं। देयर आर एट प्री मोलर्स, और ये एट हैं। आगे हैं मोलर्स, ये देखिए प्री मोलर्स के बाद ये थ्री और ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, यानी कि सिक्स सिक्स ट्वेल्व हुए, ये हुए हमारे मोलर्स। नेक्स्ट टू प्री मोलर्स देयर आर सिक्स मोलर्स इन ईच जा, ये जो प्री मोलर्स के बाद होते हैं दे आर आल्सो बोर्ड एंड फ्लैट, ये भी चौड़े और फ्लैट होते हैं। दे ग्राइंड एंड चीव द फूड, इसे हम भोजन को पीसते तथा चबाते हैं। दे द लास्ट मोलर आर आल्सो कॉल्ड नोन एज विजडम टीथ, जो लास्ट वाला मोरल होता है इसे कहते हैं विजडम टीथ, यानी कि अकल जाड़। देयर आर 12 मोरल्स इन ऑल, और जो हमारे 12 मोरल्स होते हैं 6 इस जामे और 6 इस जामे। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं हैव वेल डेवलप्ड मोरल्स, उनके मोरल्स बहुत अच्छे होते हैं, और प्री मोलर्स भी टू हेल्प देम च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड, ताकि वो अपना फूड आसानी से खा सकें। सो आउट ऑफ 32 टीथ इन परमानेंट सेट, जो 32 दांत हैं हमारे परमानेंट सेट के, देयर आर 8 इंसीजर। 8 इंसीजर हैं, आप देखिए ये देखिए, फोर इधर 8, फोर कैनियन, टू इधर, ये हुए कैनियन। 8 प्री मोलर्स, फोर इधर, टू टू फोर सिक्स एट। उसके बाद है 12 मोलर्स, ये देखिए 3, 6, 9 और ये 12, ये हुए मोलर्स। तो ये लेसन हमने आज इतना ही पढ़ा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेट्स ऑफ टीथ ह्यूमन हैव ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, नेम देम। तो आप इनका नाम है, ये देखिए इसका आंसर है, वी से स्टार्ट करना है, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन आर लाइफ टाइम, हमारे जीवन काल में हमें दो सेट मिलते हैं टीथ के। नाम लिखना है, इतना लिखने के बाद आपने इनके नेम लिखने हैं, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। पहले आपने वी से लेकर टाइम तक लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है मिल्की टीथ, फिर लिखना है परमानेंट टीथ। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे।
वाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस, दांत हमारे लिए उपयोगी क्यों है? इसका आंसर है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी, दे नॉट ओनली हेल्प अस टू बाइट एंड चीव द फूड बट आल्सो अनेबल टू टॉक अस मेक डिफरेंट साउंड्स। तो आज का होमवर्क हुआ, आपने ये लेसन यहाँ तक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लिखकर उसको लर्न करना है। ओके, बाय।